नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में, स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। खास कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं वर्ष 2023 के सभी राशियों के लिए अलग अलग राशिफल की बात करने जा रहे हैं हम। सभी राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा उनका आर्थिक पक्ष 2023 में, व्यवसायियों का कैसा रहेगा उनका व्यवसाय, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहने वाला है उनका विद्या अध्ययन, पारिवारिक माहौल आपका कैसा रहने वाला है या अन्य जो चीज़ें जैसे स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, कुल मिलाकर ये वर्ष आपके लिए कितना सकारात्मक है कितना नकारात्मक है। अगर किसी तरह की कोई नकारात्मकता है तो उससे भी कैसे बचा जा सकता है, इस तरह का भी कोई ना कोई उपाय हम इसमें निश्चित रूप से बताने का प्रयास करेंगे। चलिए बिना देरी किए बात कर लेते हैं आपके राशिफल की। बात कर चुके हैं हम अब तक मेष राशि से लेकर मिथुन राशि के लोगों के लिए कैसा है ये वर्ष 2023। अब हम बात कर रहे हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जो जातक होते हैं वो स्वभाव से ही दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। ये लोग बहुत ही भावुक और कल्पनाशील होते हैं। इनके अंदर भाषा और संवाद का जो है वो कौशल खास गुण होता है। इनका दिमाग बहुत तेज चलता है लेकिन ये लोग स्वभाव से काफ़ी चंचल होते हैं। कुछ मामलों में इनमें आध्यात्मिक गुण भी पाए जाते हैं। इनकी याददाश्त भी काफ़ी तेज होती है। ये स्वभाव से बेहद सरल, संवेदनशील और दयालु होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं वर्ष 2023 में आपके आर्थिक पक्ष की कैसा रहने वाला है वर्ष 2023 आपके आर्थिक दृष्टिकोण से। आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए ये वर्ष काफ़ी अच्छा रहेगा। अष्टम भाव में शनि कुछ अचानक से होने वाले धन लाभ की ओर संकेत कर रहा है। वहीं कुछ पारिवारिक संपत्तियों के जो मामले थे वो भी इस वर्ष निपट सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर नवम और दसम भाव में आपके में रहेगा। इससे भाग्य के प्रभाव से भी ये वर्ष आर्थिक मामलों में आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। अगर कोई प्रॉपर्टी आदि में निवेश करना चाहते हैं या मकान आदि लेना चाहते हैं तो यह वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा है। कैरियर की अगर हम बात करें तो कैरियर व्यापार की बात करें तो उस हिसाब से भी ये वर्ष आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में अप्रैल तक आपके हर कार्य में सहायक नजर आएंगे। 17 जनवरी से ही शनि का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव पर होगा। एक तरफ शनि की ढैया आपकी शुरू होगी, वहीं दूसरी ओर कुछ नई संभावनाएं भी शनि के अष्टम गोचर से आपको निश्चित रूप से मिलेंगी। राहु और केतु का जो गोचर है वो आपके लिए पहले से ही कुछ परिवर्तन की संभावनाएं दे रहा है। अप्रैल के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश मेष राशि में होगा, कार्य से संबंधित कुछ सावधानियां उस समय आपके लिए शुरू हो जाएंगी। शनि के अष्टम भाव में भी ये संकेत करती है आपकी अष्टम ढैया कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आप ना लें। नौकरी पेशा जो लोग हैं अक्सर अगर वो स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे थे तो शनि का ये गोचर उनके लिए लाभदायक साबित होगा। आपका मनपसंद जगह पर स्थानांतरण हो सकता है लेकिन नौकरी में आपको कड़ी मेहनत से ही अच्छे परिणाम मिलेंगे, ये भी आपका संकेत मिलता है। परिवार राहु और केतु पिछले कुछ समय से आपके पारिवारिक जीवन में कुछ उथल पुथल का वातावरण बनाए रखे हैं। अप्रैल के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का गोचर मेष राशि में पहुंचेगा, यानी पारिवारिक जीवन में चली आ रही जो परेशानियां हैं वो समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। शनि का अष्टम भाव में गोचर जो कि जनवरी से ही यानी 17 जनवरी से आरंभ होगा, वो पारिवारिक मामलों में कुछ नई समस्याओं के संकेत भी देता है। कुछ पैतृक विवाद जो चल रहे थे उनको सुलझाने का, ऐसे समझें कि उनको सुलझाने की आपको सलाह दी जाती है। और सारे मामले अगर शांति से आप निपटाना चाहें तो बहुत ही जल्दी आपको उसमें सफलता मिल सकती है। प्रतियोगिता और परीक्षा की अगर हम बात करें तो कर्क राशि के छात्रों के लिए ये वर्ष का जो शुरुआत है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कुछ अच्छी संभावनाओं के संकेत करती है। चौथे भाव में चल रहे राहु आपको कुछ मानसिक रूप से परेशान रख सकते हैं। साथ ही शनि की ढैया वर्ष के प्रारंभ में ही आपकी शुरू हो जाएगी, इसलिए एकाग्रता और अपनी पढ़ाई की ओर विशेष रूप से ध्यान देने की आपको ज़रूरत होगी। जो छात्र विदेश में दाखिला लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे उनका ये सपना इस वर्ष निश्चित रूप से पूरा हो सकता है। बात करें अगर स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से
आपको कुछ विशेष ध्यान देने की इस वर्ष ज़रूरत रहेगी, क्योंकि जनवरी 17 से शुरू हो रही शनि की ढैया आपको कुछ मानसिक तनाव दे सकती है। शनि की द्वितीय भाव पर दृष्टि कुछ कुटुंब के मामलों में भी विवाद का कारण आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। अष्टम भाव में शनि का गोचर वैसे तो बहुत ही निराशाजनक नहीं है, लेकिन कुछ अचानक से होने वाली बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। आपके छठे भाव के स्वामी बृहस्पति इस वर्ष अप्रैल तक मीन में, उसके पश्चात मेष राशि में रहेंगे। इसका अर्थ है कि छठे भाव पर अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि स्वास्थ्य के लिहाज से आपको बड़ी समस्या होने नहीं देगी, या ये कहें कि बड़ी समस्या न होने के संकेत करती है। फिर भी कुछ सावधानियां आपको रखनी ही चाहिए, जैसे योग करें, व्यायाम करें, इनका नियमित रूप से करना आपके लिए लाभदायक साबित होगा। उपाय के लिए अगर हम बात करें तो भगवान शिव को अक्षत अर्पित करें और शिवलिंग का अभिषेक करें। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन करें। तो दोस्तों, ये था कर्क राशि के जातकों का वर्ष 2023 का राशिफल, क्या था उनके लिए विशेष और क्या है सावधानियां, ये दोनों चीज़ों की हमने बात की। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत करें, साइड में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों से कहीं वंचित ना रहें। अच्छा लगे तो दूसरों के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।